बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान असानी का असर झारखंड पर भी नजर आने वाला है। इस कारण राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश होगी। हालांकि इस दौरान कहीं कहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इससे राज्य के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आपको बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 12 से लेकर 14 मई तक झारखंड के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बारिश गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में रांची का अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रह सकता है। झारखंड के कई हिस्सों में गर्मी से राहत मिलेगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे, छिटपुट बारिश हो सकती है। झारखंड के मध्य भाग यानी कि रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़, दक्षिणी भाग यानी कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा और उत्तर पूर्वी भाग यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, इन कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की भी संभावना जताई गई है। आपको बता दें, राजधानी रांची समेत तमाम जिलों में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। गर्म हवा के साथ तपतपाती गर्मी से लोग परेशान हैं। इस बीच बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची समेत आसपास के जिलों और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में 11 मई के बाद बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई गई है। 11 मई से 13 मई तक राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। बादल गर्जन के साथ ही बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।